नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। थाना छाता को मिली बड़ी सफलता। घटना दिनांक 5 अप्रैल 2021 की है, जब एक किराना व्यापारी से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को नेशनल हाईवे पर 6 अज्ञात बदमाशों के द्वारा अकबरपुर पुल पर असलाह दिखाकर लूट लिया गया। इस संबंध में मदन मोहन, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा थाना छाता पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर छाता पुलिस कार्यवाही में जुट गई थी। इसी के चलते पुलिस को मुखबरी के द्वारा सूचना मिली कि लूटी हुई गाड़ी व एक मोटरसाइकिल पर कुछ बदमाश नौगांव पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं। सूचना के आधार पर छाता कोतवाली इंचार्ज रवि त्यागी ने मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिनको देखकर बदमाश गाड़ियों को लेकर भागने लगे। पीछा करते वक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई तथा उसमें सवार बदमाश और बाइक पर बैठे बदमाश गाड़ियों को छोड़कर बाहर निकले। भागते हुए बदमाशों में से जिनके नाम कल्लू उर्फ कालू थाना हसनपुर पलवल और दूसरा बदमाश सरवन गुर्जर थाना पलवल का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने धर दबोचा। घटना के खुलासे की जानकारी देते हुए ACP देहात श्रीचंद के द्वारा हमारी टीम को बताया गया है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चला जा रहा विशेष अभियान में थाना छाता जनपद मथुरा पुलिस द्वारा बीती रात में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के कब्जे से विगत 5 अप्रैल में व्यापारी की लूटी गई कार बरामद हुई है। इन अभियुक्तों के नाम कल्लू लोहार सनाफ नंदली, निवासी लेखी थाना हसनपुर जनपद पलवल, एवं सरवन सनाफ रतिराम गुजर, निवासी टिकरी गुजर थाना चांदहट जनपद पलवल हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से व्यापारी की लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं एक तमंचा 12 बोर में कॉटेज बरामद किए गए हैं। इन अभियुक्तों के अन्य 4 साथियों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार करके कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।